नुहू में बीजेपी महिला मोर्चा प्रधान पर केस दर्ज। सरपंच रहते मनरेगा में मजदूरों के फर्जी जॉब कार्ड बनवाकर किया गया था गबन। हरियाणा के नुहू जिले के नगीना खंड की ग्राम पंचायत भादस की पूर्व महिला सरपंच और वर्तमान में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष अंजू बाला मनरेगा एबीपीओ साजिद और मैट पर मनरेगा में फर्जी जॉब कार्डो के आधार पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग रेवाड़ी की टीम द्वारा की गई है। सीएम फ्लाइंग के एएसआई सचिन कुमार ने नगीना पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2020-21 में उन्हें एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि ग्राम पंचायत भादस में मनरेगा योजना के तहत सरपंच व पंचायत विभाग के अधिकारियों ने मिलकर फर्जी जॉब कार्डों के माध्यम से गाँव में निर्माण कार्य कराए। शिकायत के आधार पर निष्पक्ष तरीके से जाँच की गई तो पाया सरपंच ने जिन मजदूरों के जॉब कार्ड बनवाए हुए थे उनने कभी मनरेगा में काम ही नहीं किया। उन्होंने बताया कि फर्जीवाड़ा यही नहीं रुका बल्कि जॉब कार्ड किसी अन्य व्यक्ति का और बैंक खाता किसी अन्य व्यक्ति का लगाया हुआ था। ऐसे सैकड़ों लोगों के जॉब कार्ड गांव में बनाए हुए थे जो निर्माण मनरेगा योजना के तहत मजदूरों से कराया जाना था। उसको सरपंच और पंचायत विभाग के अधिकारियों द्वारा मशीनों का उपयोग करते हुए कराया गया तथा मनरेगा मजदूरों के फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उनमें मनरेगा के मजदूरी के पैसे डलवाकर निकाले गए। सचिन कुमार ने बताया कि जांच में कुल 70,452 रुपए का गबन पाया गया। जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि शिकायत के आधार पर पूर्व सरपंच अंजू बाला मनरेगा एबीपीओ साजिद हुसैन और मैट मनरेगा की मॉनिटरिंग करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 120B, 409, 420, 467, 468 और 471 के तहत मामला दर्ज किया है। अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामले की जांच कर यह पता लगाया जा रहा है कि इस मामले में कौन कौन संलिप्त हैं और कितना गबन हुआ है।